वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज की वीडियो मैं आपको लोगों को बताने वाली हूं एक ब्राइडल किट Uh, जो प्रोडक्ट्स मुझे पसंद है अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मैं उसमें बताने वाली हूँ आपको एक आज चीज इसमें नहीं होगी बट मैं उसके लिए भी आपको एक ऑल्टरनेटिव uh, सजेस्ट जरूर कर दूंगी सो so, ये एक ब्राइडल किट होने वाला है अगर आपकी शादी होने वाली है या हो चुकी है न्यूली मैरिड हो या फिर आप डेली टू डे के लिए एक ब्राइडल किट चाहते हो या नॉर्मल किट चाहते हो सो so, मैं आपको प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ अफोर्डेबल है साथ के साथ अच्छे से वर्क करते हैं सो so, चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं सो so, आप लोग देख सकते हो मैंने सारी की सारी चीजें इसके अंदर रखी है जो जो मुझे रिक्वायर्ड है सो चलिए एक एक करके इन्हें निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं सो so, जो सबसे पहला प्रोडक्ट होने वाला है ये मेकअप से रिलेटेड तो नहीं है बट ऑब्वियसली एक मेकअप रिमूवर सो so, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें मेकअप करने के बाद मेकअप रिमूव करना चाहिए या नहीं मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी हमेशा अपने ब्राइडल किट में या डेली किट में हमेशा एक माइसेलर वाटर आप रख सकते हो सो so, मुझे ये पॉन्ट्स वाला काफी ज्यादा पसंद है अफोर्डेबल भी है साथ के साथ इजिली अवेलेबल भी आप देख सकते हो टू नाइनटी नाइन का है ये बट ये आपको मार्केट में इससे कम प्राइस में मिल जाएगा या आप ऑनलाइन भी ले सकते हो सो फर्स्ट थिंग ये है हमेशा अपने ब्राइडल किट में एक माइसेलर वाटर जरूर रखिए सो दैट आप इजिली अपने मेकअप को रिमूव कर सके सो चलिए स्टार्ट सो so, आप देख सकते हो मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ रख लिया मैं एक एक करके सबके बारे में बात करने वाली हूँ सो so, सबसे पहले आपका स्किन केयर इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद आप क्या लगाते हो प्राइमर सो so, प्राइमर के लिए मैं आपको नायका का ये प्राइमर सजेस्ट करूंगी बिकॉज because... एक तो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है लेस देन फाइव हंड्रेड रुपीज का आपको ये मिल जाएगा अगर आपकी ऑयली स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन है चाहे जो मर्जी स्किन है ये अच्छे से आपके स्किन को लाइक like, स्मूथ करेगा एक अच्छा सा बेस देगा और अफोर्डेबल के साथ साथ आपके मेकअप को बहुत ज्यादा लॉन्ग ला लास्टिंग भी बनाएगा आप जरूर इसे ट्राई कर सकते हो अपने मेकअप किट में चाहे ब्राइडल किट हो चाहे डेली टूडे का हो सो इसके बाद बात आ जाती है हमारे फाउंडेशन की सो फाउंडेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये फिटमी का फाउंडेशन अविंद शेड टू ट्वेंटी एट सॉफ्ट टैन आप जैसा देख सकते हो सो so, uh, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है सो so, uh, अगर आप कोई भी स्किन टाइप वाले हो आप इजीली इसे यूज कर सकते हो अगर आपकी स्किन आपको लगता है कि ड्राई है तो आप थोड़ा सा इसको यूज करने से पहले आप अच्छे से स्किन केयर करोगे तो बहुत अच्छे से आपके फेस पे वर्क करेगा वैसे आई थिंक दिस इज अराउंड 500 और 550 बट अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो तो so डेफिनेटली आपको सेल प्राइस पे ये काफी कम प्राइस में मिल जाता लाइक like, साढ़े तक का भी मैंने ये लिया है कई बार सो आई थिंक दिस इज माई थर्ड और फोर्थ बॉटल ऑफ इट आई रियली लव दिस प्रोडक्ट सो इसके बाद बात आ जाती है हमारे फेस के बाद हमारे सेटिंग पाउडर की सो so, इसके लिए मैं बात करूंगी फिटमी का ये लूज पाउडर्स तो इसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही खरीदा है आई मीन द शेड मीडियम मुझे ये शेड डार्क है मेरी स्किन से बट इट्स ओके अगर आप में से किसी को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए होगा क्योंकि मैंने एक आध बार यूज करा है अगर आपकी स्किन मुझसे डार्क है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट uh, सेक्शन में बता सकते हो कि दी आई वॉन्ट दिस मैं आपको इसे ज़रूर सेंड कर दूंगी बिकॉज मेरे ये किसी काम का नहीं है सो so, आप देख सकते हो ये लूज पाउडर बहुत अच्छा लाइक आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा अफोर्डेबल है उसके साथ साथ बहुत अच्छे से वर्क करता है अगर आपको पूरे डे के लिए मेकअप अपना लॉक करना है बहुत लाइट वेट है उसके साथ साथ कवरेज भी अच्छी दे देता है सो so, ये तो होगी हमारे बेस की बात अब हम बढ़ते हैं आगे मेरे पास ये दो शुगर के प्रोडक्ट्स हैं जैसे आप देख सकते हो सो so, आपने अगर मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैं शुगर के प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा यूज करती हूँ सो so, मैंने बात करने वाली हूँ ये कॉन्टोर के बारे में एंड ये मेरा ब्लश है सो so, ये इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे और जो कॉन्टोर है इसमें आपको दो शेड्स मिलते हैं मेरा शेड है इट्स वुडी uh, वंडर ये काफ़ी अच्छा शेड है मीडियम टू डार्क स्किन टोन वालों के लिए अगर आपकी स्किन लाइटर uh, साइड पे है तो आप इससे एक लाइट शेड आता है वो यूज कर सकते हो सो so, ये मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ इसका ब्लश शुगर का बहुत पिगमेंटेड है बहुत अफोर्डेबल है आई थिंक मैंने ढाई से तीन सौ के बीच में ये लिया है सेल प्राइस पर आपको इससे भी कम प्राइस में मिल जाएगा सो so, शुगर के प्रोडक्ट्स आप ट्राई कर सकते हो बहुत टाइम तक लॉन्ग लास्ट करते हैं आपके फेस पे लाइक पूरा दिन मेकअप इंटैक्ट रहता है क्वालिटी बहुत अच्छी है एफोर्डेबल है उसके साथ आप देख सकते हो मैंने आपको एफोर्डेबिलिटी की चीजें भी बता दी और साथ में अच्छी परफॉर्मेंस वाली चीजें भी बता दी अब अगर हम बात कर ले हाईलाइटर की तो so मैं बहुत बड़ी बिग फैन नहीं हूँ सो so, आप देख सकते हो आई मीन द शेड प्रीशियस पेटल्स बहुत अच्छा हाइलाइटर है शेड बहुत अच्छा है हर तरह की स्किन टोन वालों पे ये कलर चलता है सो so, अगर आप देख रहे हो कुछ अफोर्डेबल सा हाइलाइटर उसके साथ बहुत अच्छा इफेक्ट भी दे बिल्कुल भी चंकी ग्लिटर्स आप कह सकते हो उसमें नहीं है सो डेली टू डे के लिए अगर आप मेकअप करने के लिए भी कुछ ढूंढ रहे हो सो so, आप इसे ट्राई आउट जरूर कर सकते हो अफोर्डेबल है और सेल पे लोगे तो इससे भी कम प्राइस पे मिलेगा सो so नेक्स्ट अगर हम बात कर ले अपनी आईब्रो किट की तो मैं आपको क्योंकि अब मैं नायका का ये आईब्रो पाउडर यूज करती हूँ सो मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगी लेना फर्स्ट इसमें आपको इस तरह के तीन शेड मिल जाते हैं ये दो शेड्स आप अपनी आ, आगे की ब्राउज को फिल करने के लिए यूज कर सकते हो और ये आपका मेन शेड होता है इसमें भी आपको दो शेड्स मिल जाते हैं जो मेरा शेड है मैं आपको वो बता देती हूँ आई थिंक माई शेड इज चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स सो ये भी काफी अफोर्डेबल है आई थिंक 500 से तो नीचे नीचे में आपको सेल प्राइस में मिल जाता है आउटडर भी मुझे काफी अच्छा लगा है अगर आप अपने किट में इसे ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो क्योंकि एक अफोर्डेबल है पूरा दिन लॉन्ग लास्ट करता है बिल्कुल भी लाइक अगर चाहे आपकी स्वेटिंग हो रही हो तभी ये निकलता नहीं है सो so, जो नेक्स्ट चीज है सबसे इम्पोर्टेंट बहुत लोग इसे यूज करना पसंद करते हैं ये है काजल सो so, मैं इसमें बात करने वाली हूँ के ब्यूटी के इस काजल के बारे में इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे आप चाहे तो देख सकते हो सो so, काजल काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं मैं काफी कम करती हूँ बट मुझे ये ही काजल ज्यादा पसंद है के ब्यूटी का अफोर्डेबल आई थिंक ढाई से दो के बीच में आपको मिल जाता है सेल में कम में भी मिल जाता है काफी अच्छा है जेट ब्लैक है पूरा डे लॉन्ग लास्ट करता है बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता है सो दैट्स लाइक अबाउट इट क्योंकि बहुत लोग आई लाइनर लगाना प्रेफर नहीं करते इसीलिए ये ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए रखा है सो so, जो मैं आई लाइनर यूज करती हूँ वो लोटस का यूज करती हूँ क्योंकि उसकी जो टिप है वो फेल्ड टिप है मुझे बहुत पसंद है आप चाहे तो वो भी अपने किट में इंक्लूड कर सकते हो सो so, चलिए बात कर लेते हैं दो चीजों के बारे में पहला हो गया हमारा आई शेडो सो so, मैं आपको प्रेफर नहीं बोलूंगी अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप नहीं करते हो तो बहुत बड़ा पैलेट लेने की कोई जरूरत नहीं एक बेसिक पैलेट ले लीजिए जैसे कि ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है ढाई से तीन सौ रूपये के बीच में आता है बट सेल पे ये दो सौ रूपये भी मैं आपको मिल जाएगा आप एमेजोन से ले सकते हो नायका से ले सकते हो किसी लोकल स्टोर से भी ले सकते हो सो आप देख सकते हो मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ आई थिंक मैंने लास्ट ईयर लिया था और अभी तक मेरे पास ये है सो आप देख सकते हो में आपको काफी न्यूट्रल टोन्स भी मिल रहे हैं थोड़े वार्म टोन्स भी मिल रहे हैं और एक दो शेड्स आपको लाइक दो ही आपको ग्लिटर रिफ्लेक्सेस वाले कलर्स भी मिल रहे हैं सो so आप इस तरह के बेसिक और एफोर्डेबल पैलेट्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें आपको पांच छह शेड्स मिल जाते हैं आई मिन द शेड जीरो सिक्स सो ये काफी अच्छा पैलेट है उसके साथ साथ एफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छे से वर्क करता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करूंगी लिपस्टिक के बारे में सो so, ये होने वाली है मेरी फेवरेट शुगर की लिपस्टिक आप देख सकते हो ये मेरे डॉग ने इसे तोड़ा हुआ है अगर आपके पास डॉग है तो आप समझ सकते हो ये चीज सो एम इन द शेड न्यूड मूड सो ये मेरा फेवरेट शेड है शुगर की तरफ से मैं ज्यादा लाइक बोल्ड कलर्स आजकल लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ सो so, इसलिए मैं इस तरह के कोरलिश कलर्स ज्यादा यूज करती हूँ और मेरी स्किन टोन को काफी कॉम्प्लीमेंट करते हैं सो so, आप शुगर की रेंज देख सकते हो अफोर्डेबल लिपस्टिक्स के लिए आई थिंक ये 500 टू फोर हंड्रेड के बीच में आती है और ऑफ में भी आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगी ये अगर आप लाइक like, बहुत टाइम तक लॉन्ग लास्ट करें बहुत ज़्यादा हैवी ना हो आपके लिप्स को ड्राई ना करें ज़्यादा आप इस लिपस्टिक को ट्राई आउट कर सकते हो सो so, जो लास्ट सजेशन है मेरी मेकअप uh, में ये होगी ऑब्वियसली अ सेटिंग स्प्रे आप चाहे तो वेट एंड वाइल्ड की सेटिंग स्प्रे भी ले सकते हो बहुत अफोर्डेबल है मेरे पास नहीं है मैं आजकल यूज कर रही हूँ मैक की उससे पहले मेरे पास थी लॉरियल इन्फेलेबल की वो भी बहुत अच्छी है बट अगर आप बजट में ढूंढ रहे हो लाइक थ्री हंड्रेड से नीचे नीचे ढूंढ रहे हो आप वेट एंड वाइल्ड की सेटिंग स्प्रे ले सकते हो बहुत अफोर्डेबल है साथ के साथ बहुत अच्छी है सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेक श्योर sure आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय नेक्स्ट टाइम